ख्वाजा रबी दे प्यालो। अभी हम चल रहे हैं ख्वाजा रबी पे, ये आप देख सकते हो बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ पे आपको ज़ियारत करवाएंगे। और यहाँ पे ये दिखने में आ रहा होगा आपको जबलों में, चढ़े ही कौन दादा मैं, चढ़े ही कौन दादा। है जो मशहद का मशहूर एयरपोर्ट है और मशहद भी हम हमें नज़दीक है, यहाँ से तकरीबन 10 मिनट से हम आए हुए हैं ट्रैफिक ज़्यादतों के लिए। उर्दू क्या है मैं आदमी तो इस उर्दू टाइट है और माई टाइट थी मजा। अभी हम ज़्यारत के लिए आए हुए हैं ख्वाजा केड़ा बुदाई ख्वाजा रबी की ज़्यारत पे आए हुए हैं। तो हम बहुत ऊपर चढ़ के आए हैं पहाड़ों के ऊपर, आप देख सकते हो नीचे हमारा काफिला चल रहा है और हम बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, अब ज़्यारतें करा रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो हम बहुत बड़ी ऊंचाई पे हैं और ये ख्वाजा रबी की मज़ार है, ज़ियारत करवाएंगे अभी आपको। और ये बहुत खूबसूरत मंज़र हैं और मौसम बहुत अच्छा है। हम आपके व्लॉग के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी बोलोगे आप कि हमारा हक नहीं है लाइक और शेयर और फॉलो का, कितनी कठिनाई हम करते हैं। और आप देख सकते हो जैसे कि अभी हम ख्वाजा रबी पे पहुंच गए हैं और हमारी सांस बहुत फूल गई है। अभी हम आएंगे नीचे, हमारी टांगों में भी सांसें नहीं हैं। यहाँ पे बरसात भी पड़ी हुई है और हमारे को चढ़ना यहाँ से था फिर उतरना वहाँ से था, मगर हमने गलती कर दी। अभी हम भी चढ़ रहे हैं अपनी टांगों में खुद ही। आखिरकार हमने फतेह कर ली और आपको ज़ियारत करवा ली। ओली ओली मौला ओली। अभी हम पहुँचे हैं ख्वाजा रबी पे, आपको ज़ियारत करवाएंगे। अपने YouTube के चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें जैसे कि आपको और भी ज़्यारतें हम करवा सकें। और ये पहाड़ों के ऊपर है, यहाँ पे तूत देखो कितने हैं मगर बहुत ऊपर हैं। हमारा पूरा काफिला पहुंच चुका है यहाँ पे और हम तो पहाड़ों के ऊपर से आए हैं, हमारी सांसें अभी तक फूली हुई हैं। और अपने ब्लॉग के हिसाब से हम
हमारे को ऊपर भी चढ़ना पड़ गया, आपको ज़ियारत भी करवानी है। ये देखिए हमारे YouTube के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत बड़े पहाड़ से चढ़ के आपके लिए हमने YouTube के हिसाब से कि हमारा ब्लॉग बने, इसके हिसाब से हम बहुत ऊपर चढ़ गए। हमने आपको ज़ियारत भी करवा ली है और ये जितने भी रोज़े हैं उनके दीदार भी करवा लिए हैं। हैदर के याद कर हमारा मकसद है कि आप हमारे चैनल पे ऐसे नहीं हो के दरगाह है। दरगाह कौन है? दरगाह कौन है? ये जितने भी लोग हैं अपने अपने देखो बना रहे हैं ब्लॉग, और हम अपने ब्लॉग के हिसाब से चल रहे हैं। हर कोई अपना अपना बना रहा है। ये खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पे, हम आपको इन खिलौनों का भी विजिट करवाते हैं। और ये बड़े बड़े खिलौने रखे हुए हैं, कोई खिलौना हमारे को भी पसंद आ गया तो हम भी इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए लेंगे। हमने एक गिटार लिया है अपने बेटे के लिए, अगर कोई यहाँ पे गिटार मिलता है तो गिटार हम ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह गिटार तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, चंदे गिटार मशीन बड़े नहीं नहीं बड़े वाला इन पंजो इशास इस साधु चल इशे ये गला 40 ये 80 हो ये 50 जम जम ये 1,20,000 1,20,000 ये 1,20,000 रुपये का बता रहा है गिटार। और हमारा ट्रांसलेटर पता नहीं कहाँ गया, हमारे को इससे गिटार लेना है। अस्सलाम वालेकुम या अली अले सलाम मदद सैने कदीर में पुजी आयो, सैने कदीर में पुगायो तहां के सैने कदीर में तहां के पेरी पेरी गुला बूटा आया इन वे खाया इन हाने मौला रज़ा जो रोज़ो इन पास है जो तक देखारी हिंसर असूँ सैने कदीर में जो अस चैनल से नो है वो शेयर के बटन के दबाए जी तो ही वीडियो वो वीडियो हिस्सो बनी सके वीडियो पूरी ऐसी।
अच्छा, एक भाई ने बोला था कि आप उर्दू में बात करो। अभी हम पहुंचे हैं सेने गदीर में, सेने गदीर में पहुंचे हैं, रोज़ा है सोनी सबील वाले साइड पे है, तो यहाँ से सामने, मगर अभी नज़दीक आ चुके हैं हम। तो हमारे चैनल पे जो नया है वो लाइक करे, शेयर करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे, घंटी के बटन को दबाए, जैसे कि उसको बकाया वीडियो भी मिल जाए। और वीडियो का हिस्सा भी बन जाए। और आपको अभी मौला रज़ा के रोज़े की ज़ियारत करवाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसलिए कि आपके दूसरे भी बहन भाई जितने भी हैं वो देख सकें, जितने भी ये हमारे ज़्यादा बहन भाई हैं वो देख सकें, क्योंकि ये वीडियो बहुत शानदार बनने वाली है। और इसमें आपको ज़्यारतें ही ज़्यारतें ही मिलेंगी। अभी हम निकले थे 24वें रोज़े को, तो ईद भी हमने बीबी पाक के रोज़े पे मनाई थी। अभी हम ईद वाले दिन यहाँ पहुँचे थे, जैसे कि ईद वाले दिन हम यहाँ पहुँचे, ईद वाले दिन निकले थे, पहुँचे दूसरे दिन थे हम, क्योंकि यहाँ के सफ़र बहुत बड़े हैं। तो हमने जो भी वीडियो बनाई हैं वो ज़्यारतों की ही बनाई हैं, और कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जो आपको पसंद ना आए। और हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ये है कि हम इससे होके फिर इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है इराक़ जाने का। तो आपको इराक़ में जितनी भी ज़्यारतें होंगी वो करवाएंगे, और ज़्यारतें भी आपको करवाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ के रोज़े भी आपको दिखाएंगे, वहाँ का शहर भी आपको दिखाएंगे। वहाँ भी हमारा कम से कम 15 दिन का टूर होगा, तो 15 दिन के टूर में इंशाल्लाह जितनी भी और ज़्यारतें होंगी आपको करवाएंगे, क्योंकि हम जाते ही ज़्यारतों के लिए हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि यहाँ की जितनी भी ज़्यारतें हैं वो आपको भी करवाएं, हम भी करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रोज़े की गाड़ियाँ चल रही हैं, ये लोग उठाती हैं, लोग जो आते हैं वो, और ये सामान की गाड़ियाँ हैं, रोज़े का सामान उठा दिए गाड़ियाँ, रोज़े की अपनी गाड़ियाँ हैं जो रोज़े के अंदर चलती हैं। ये आप पूछोगे कि क्या है, ये वो चीज़ है जहाँ पे इनको पोशन अलहदा करना पड़ता है, तो इस पर वो लोहे की रेल बिछाते हैं और यहाँ पे काबू हो जाती है, फिर ये टुकड़ा अलग हो जाता है किसी मजलिस वगैरह के लिए। ये रोज़े की गाड़ियाँ देखो लेन में आ रही हैं, लोगों को लेके आ रही हैं, लेके जा रही हैं। और जिसको ये वीडियो पसंद आए वो हमारे को इंशाल्लाह, ये वीडियो सारों को पसंद आएगी, जिसको क्या पसंद आए सारों को पसंद आएगी। ये व्हीलचेयर है जो रोज़े की है, रोज़े में अंदर चलती है। यहाँ की कौन सी चीज़, यहाँ की कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद आई है ईरान के शहर की? रोज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रोज़ों में तो हर चीज़,
रोज़ों की हर चीज़ अच्छी है, रोज़े सारे इंशाल्लाह बेहतरीन हैं। मौला रज़ा के तो क्या कहने, वो तो सारों से शहर में जितनी भी ज्यारतें हैं वो बहुत अच्छी हैं, मगर मौला रज़ा का रोज़ा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और ये एक एक सहन जो है वो बहुत बड़ा है। अभी इंशाल्लाह मौला की ज़ियारत आपको करवाएंगे। ये है मौला रज़ा का रोज़ा, आपको हमने दिखाया है मौला रज़ा का रोज़ा। ये है मौला की सोनी सबील, और ये देखो सोनी सबील है, और ये मौला का रोज़ा है, मौला रज़ा का रोज़ा। ये देखो आप, जल्दी जल्दी ज़ियारत करो, जल्दी जल्दी ज़ियारत करो, और मेरे को दुआ दो। इसको भी आप लाइक शेयर फॉलो नहीं करोगे तो किसको करोगे। ये है मौला रज़ा का रोज़ा, इसको तो मुसलमानों, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई सलाम करता है मौला रज़ा को, और लाइक शेयर फॉलो भी करता है। तो ये आप देख सकते हो, हम खड़े हैं सोनी सबील वाली साइड पे, जहाँ पे ये हरम पाक है, सोनी सबील वाली साइड पे। ये मौला रज़ा का रोज़ा, ज़ियारत जिसको करनी है वो देखे मौला रज़ा का रोज़ा, इसको लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करो। इंशाल्लाह हम जाएंगे अभी इराक के लिए और शाम के लिए, आपको इराक की और शाम की भी ज़ियारतें करवाएंगे। तो ये आप देख सकते हो मौला रज़ा का रोज़ा है। अभी वही उसी लाइन में आ गए हैं, मौला रज़ा के रोज़े की उसी लाइन में हैं जहाँ से पहले भी हमने आपको ज़ियारत करवाई थी। अरे के कितों की तो कटा होना नहीं था, अरे थोड़े लोग बैठे ना, थोड़े थोड़े बाजार लेने भी चिकले थे, आप बड़े खेला करो खेला करो, आपको सुनाना था ना, आपको छोड़े था ना क्या। मौला रज़ा के रोज़े की, अभी हम आ चुके हैं मौला रज़ा की दरी के बिल्कुल नज़दीक, जो कि हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। मौला रज़ा की ज़री के बिल्कुल हम नज़दीक हैं, और मौला रज़ा के करम है हम पे, हमने बहुत आसानी से जो भी ज़ियारत की वो बिल्कुल आसानी देखी है। यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल ज़री के नज़दीक हैं। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ लाइन में इसलिए आते हैं कि यहाँ की ज़ियारत जो है वो बिल्कुल आसानी से होती है। और याला याला याला, और आसानी से होती है, बिल्कुल आसानी से होती है। लेडीज़ वाली साइड और मर्दों वाली साइड पे लाइन लगी होती है, लाइन में बिल्कुल आसान आसान ज़ियारत होती है। और अब तुम ज़ियारत करोगे इंशाल्लाह। ये मौला रज़ा की ज़री में अंदर हैं हम, मौला रज़ा की तुम ज़ियारत करोगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ये देख लो कि हम मौला रज़ा की ज़री के बिल्कुल नज़दीक हैं। मौला रज़ा की ज़री के बिल्कुल हम नज़दीक हैं, मौला रज़ा की चौखट को चूमेंगे अभी। मौला रज़ा करम कर, मौला रज़ा, मौला रज़ा तेरी बारगाह में हम, मौला रज़ा किसी की आशा उम्मीद है पूरी करना, मौला रज़ा ज़ियारत जाती नहीं जाना, ज़ियारत पूरी करना मौला रज़ा।
बताओ। बोला रदा बोला रदा बोला रदा क्रम कर ये हम मौला रदा की बरगाह में हैं और आप देख सकते हो कि हम मौला रदा के हरम और ये मौला रदा मशीनें काम करती हैं। ये मशीनें काम करती हैं जो सफाई वगैरह करने ये हम अभी ज़ियारत करके आपको भी ज़ियारत हमने करवाई है मौला रदा की, तो मौला रदा की ज़ियारत आपने की और आपको कैसा लगा आप ये कमेंट्स में हमारे को ज़रूर बताना कि मौला रदा के हरम की ज़ियारत हमने बहुत ही बहुत आपको नज़दीक से करवाई है। और अभी हम कुछ दोस्तों ने हुक्म किया था कि हमारे को फ़ोटो बना के देना, अभी हम फ़ोटो बनाएंगे मौला रदा की ज़री के साथ, सॉरी ज़री के साथ तो नहीं गुमस के साथ। तो आपके हम जिन दोस्तों ने फ़ोटो भेजे हैं वो गुंबद के साथ फ़ोटो बनाएंगे, जिसको भी फ़ोटो बनवाना है वो फ़ोटो बनवा सकता है गुंबद के साथ। हमारा तो है कि हम गुंबद के साथ फ़ोटो बनाएंगे और जिसको बनवाना है वो कमेंट्स में हमारे को अपना नाम पता और अपने शहर का नाम ज़रूर बताए कि वो कहाँ पे है और कौन सी तस्वीर बनवाना चाहता है। ये हमारे को कमेंट्स में आप ज़रूर बताना, जिसको भी फ़ोटो बनवानी है वो हमारे को कमेंट्स में ज़रूर बताए। ये देख सकते हो कि मौला रदा के हरम में ये लगा हुआ है, विजू खाना लगा हुआ है। ये है विजू खाना, मौला रदा के हरम में ये विजू खाना था जो हमने आपको बताया दिखाया था। और चारों तरफ एक जैसी रश है, रुको आधे काल लगे कहती ना कहती। ये एक दोस्त है हमारा, वो रुको हमारी मोबाइल से कनेक्ट करके घूम रहा है, हमारी मोबाइल सही नहीं चल रही है इसलिए हम बोलते हैं कि वो उसका कनेक्टिंग टूटे तो हमारे पीछे जल दिया है। देखो रोजे की गाड़ियाँ रात को भी चलती हैं, दिन को तो चलती हैं, दिन की भी सफाई होती है मगर ये रात को भी चलती हैं। ये गाड़ियाँ रात को भी सफाई करती हैं और ये गाड़ियाँ रात को भी चलती हैं जो लोगों को उठाती हैं। और ये हम अभी रोजे से निकले हैं, जैसे कि आपको ज़ियारत करवा रहे हैं मौला रदा के, रोजे की ज़ियारत हमने आपको करवाई है अभी।
हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये गाड़ियाँ सफाई की भी हैं, लोगों की भी हैं, लोगों को उठाने के लिए भी गाड़ियाँ हैं। तो ये हरम सरकार है, ये गाड़ी देखो रोदे की गाड़ी है जो चल रही है रोदे में, और ये सुजुकी के टायर इसमें लगे हुए हैं, चेचीज वेचीज सामान भी आई भी लगा हुआ है। तो ये देखो ये मौला रजा के दुकान का है, इसको परफ्यूम हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे परफ्यूम नहीं होता है, यहाँ पे अतर होता है। ये होती परफ्यूम के डब्बों में है मगर है सारे अतर हैं। ये देखो ये देखो हम अत्तर की दुकान पे खड़े हैं, ये अत्तर हैं, ये बहुत खुशबू वाले अत्तर हैं और ये परफ्यूम नहीं है, अत्तर ही हैं। ये रोजे के अत्तर हैं।